तो फिर से किसी देश के अंदर मुर्गा भात खाकर वोट ना पड़े। जो मुर्गा भात दे रहा है वो व्यक्ति सही है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये तानाशाही नहीं है? तो बीजेपी कह रही है कि ईडी पर हमला ये दिखाता है कि रोहांग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी ममता कहती है कि हम तो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? एट नाइन में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। ममता के गढ़ में हिंसा इतनी क्यों? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी हमला होने लगा है? ममता बनर्जी के गढ़ में जब चुनाव होते हैं या चुनाव होने वाले होते हैं या चुनाव प्रचार चल रहा होता है, तब इसी तरह का माहौल देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। इतना ही नहीं, चुनावी दौर में हिंसा के साथ साथ हत्याएं भी देखी गई हैं। तो क्या बंगाल का चरित्र इसी तरह का हो गया है कि जो जांच करेगा, जो विरोध करेगा, जो आवाज उठाएगा, तो उनकी हत्याएं होंगी, हमले होंगे या उनके घरों को जला दिया जाएगा? क्या यही कहती है बंगाल की राजनीति? इसी तरह अगर गठबंधन की राजनीति को समझे और देखें, तो इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। और इस नए गठबंधन को, देश को समझने की जरूरत भी है। देश को यह समझना ही पड़ेगा कि ये लोग जो आपके सामने वोट मांग रहे हैं या गठबंधन करके वोट मांगने आएंगे, तो सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा छलावा हो सकता है। जब ये आपस में एक दूसरे के नहीं है, जब से गठबंधन बना है तब से एक दूसरे के लिए जहर उगलते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो अगर सपा कमजोर होगी मध्य प्रदेश में, तो अब शब्द कहे जाएंगे। इसी तरह सपा मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में, तो वहां कांग्रेस को कई तरह से दिक्कतें देगी। और इसी तरह बंगाल में भी यही हाल है। जो बंगाल में बीजेपी को ठहरने नहीं दे रही है ममता बनर्जी, तो कैसे गठबंधन में सीट शेयरिंग कर लेंगी? और इस तरह से वहां ईडी के ऊपर हमला हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी का शिकंजा ममता सरकार पर लगातार बना हुआ है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कई बार ईडी शिकंजा कस चुकी है, छानबीन कर चुकी है। फिलहाल अगर ईडी की बात करें, तो देश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां से सूचनाएं मिल रही है, वहां वहां पर ईडी जा रही है, शिकंजा कस रही है, लगातार छानबीन की जा रही है। और इसको लेकर लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल देखा गया है। 2021 की मैं बात करूं, तो जब 2021 में बंगाल में चुनाव हुए, तब भी बीजेपी पर हमला हुआ। इन सब चीजों को लिंक करें, तो कहीं ना कहीं ममता अपने गढ़ में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहती है। ना तो दूसरे किसी पार्टी की दखलंदाजी चाहती है, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष, ना केंद्र एजेंसियां, किसी की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। क्या आप, अगर पश्चिम बंगाल की जनता आपको चाहती है, तो क्या आप किसी को मौका नहीं देंगे? या अगर कोई मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां पर हमले करवा देंगे या हिंसा भड़का देंगे? तो ये तो बात हो गई राजनीति की। अब ये इस राजनीतिक लड़ाई में कौन किसका नुकसान करेगा, ये तो अलग बात है, क्योंकि नुकसान होना तो तय ही है, जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है इस गठबंधन को लेकर। लेकिन देश की जनता को फिर से सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरफ जाएं। हमें सोचना पड़ेगा, देश को अब सोचना ही पड़ेगा कि हम किसी का पक्ष या विपक्ष का दामन थामे। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी का पक्ष करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप विपक्ष की तरफ ना जाएं, बीजेपी के साथ जाओ या गठबंधन के साथ जाओ, गठबंधन के अलावा इसमें शामिल पार्टियों के साथ जाओ, ये सोचना तो देश को ही पड़ेगा। देश के उस वर्ग को सोचना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल सालों साल से होता आया है। क्या अब इस्तेमाल होने की बारी है या इस्तेमाल करने की बारी है? क्योंकि इस्तेमाल तो हम सालों से हो रहे हैं।
अब इस्तेमाल करने की बारी है, अब आम जनता को मोर्चा अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जो आपके लिए सही है उसे चुनना होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जो वोटर है, क्या आज भी वो नीचे तबके के लोग हैं जिसको रिझाने के लिए दुनिया भर की स्कीम लाई जाती है? क्या वही वोटर अपने वोट की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, या फिर मध्यम वर्ग के लोग या सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के लोगों को भी आगे आना चाहिए और उनको भी ये समझना चाहिए कि वो भी फेरबदल कर सकते हैं, वो एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। तो घर से निकले, जो पक्ष कमजोर है इनका साथ देने के लिए अब निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कहा जाता है कि ऊपर किस तरह के लोग वोट देने नहीं जाते, वो सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर सरकारी तंत्र पर हमला होगा, गरीबों की आवाज को कुचलने की कोशिश होगी, तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो फिर से किसी देश के अंदर मुर्गा भात खाकर वोट ना पड़े, ये कोशिश करनी होगी। देखिए, मुर्गा भात खाओ लेकिन वोट सही व्यक्ति को दो। जो मुर्गा भात दे रहा है वो व्यक्ति सही है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यह हमें समझना पड़ेगा। आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। आज सुबह सुबह एक तस्वीर सामने आई जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि जब केंद्रीय एजेंसियों पर भी हमले हो सकते हैं तो हम कहां सुरक्षित हैं। तस्वीर है पश्चिम बंगाल की। दरअसल यहां पर राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने सुबह कोलकाता, उससे सटे जिले उत्तर 24 परगना में कुल 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसी क्रम में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में तृणमूल नेता और ब्लॉक अध्यक्ष शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, उनके फोन छीन लिए गए, जान से मारने की धमकी देकर उनके पासवर्ड पूछे गए। आप सोचिए, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये तानाशाही नहीं है? संसद में अगर आप गलत आवाज उठाते हैं और संसद में आप अमर्यादित बयानबाजी करते हैं, तो आप जब संसद से आपको बेदखल कर दिया जाता है, जब बर्खास्तगी कर दी जाती है, संसद सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ईडी वहां जा रही है, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है, आप उनके फोन छीन रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र है? पश्चिम बंगाल में कैसा लोकतंत्र है? हो सकता है ममता बनर्जी के लिए यही लोकतंत्र हो। कई अधिकारियों के सिर फटे इस घटना में, कई ईडी अधिकारी जख्मी हो गए, परिणाम स्वरूप ईडी अधिकारी को वहां से भागना पड़ा। अंदाजा लगाइए, केंद्रीय एजेंसी को वहां से भागना पड़ा है। जख्मी अधिकारियों को स्थानीय कैनिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया, जिसका केंद्रीय बल के जवानों को अनुमान ही नहीं था। बड़ी संख्या में लोग होने की वजह से जवान अधिकारियों का बचाव भी नहीं कर सके। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता के समर्थकों ने डर से जहां तहां छिपे अधिकारियों को चुन चुन कर जमकर पीटा। तृणमूल नेता के समर्थकों ने जवानों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय थाने के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई नजर आ रही थी। ईडी के अधिकारियों ने जिले के बनगांव में तृणमूल नेता शंकर आड्य के घर पर भी छापेमारी की। दोनों टीएमसी नेता राशन घोटाले में गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीब बताए जा रहे हैं। तो अगर आप घोटाला करेंगे तो क्या जांच नहीं होगी? अगर ईडी जांच कर रही है तो इसका मतलब उनके पास कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी के भी घर में ईडी आ जाएगी, छापेमारी कर देगी। कुछ तो उनके पास होगा, तभी तो वो आपके यहाँ आ रहे हैं, ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकान मजुमदार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार के आरोप है। उन्होंने कहा कि ईडी कार्रवाई करती रहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपको बता दें कि इस पूरे हमले की सुबह से कड़ी निंदा हो रही है। बात यहां भाजपा की नहीं कर रही, भाजपा तो कर ही रही है निंदा। आप सोचिए कि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी इसकी निंदा करती हुई नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है,
अगर ईडी पर हमला हुआ है तो आगे फिर हत्याएं भी हो सकती है। ये बयान अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। अगर अधीर रंजन चौधरी की हम बात करें तो वैसे ही ममता से वो बेहद खफा नजर आते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने एक और बयान दिया था कि क्या ममता बनर्जी हमें भिखारी समझती है कि वो दो सीटें हमें पश्चिम बंगाल में दिखा रही है। गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया, ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। तो कहीं ना कहीं जो रार है, अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इस पूरी बात को जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि ये जो पूरी की पूरा तस्वीर नजर आती है ये यही है कि जब भी कुछ होता है आप एक दूसरे पर बयानबाजियां करते हैं और फिर कहते हैं कि आप एक ही हैं। तो बीजेपी कह रही है कि ईडी पर हमला ये दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि शहनशाह शेख चंदेखाली इलाके का डॉन है, वो टीएमसी नेता भी है। सिन्हा ने कहा कि शेख पर कई हत्याएं के मामले दर्ज हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वहां टीएमसी नेता है। अब सोचिए, अब दूसरी जगह तो कहते हैं, अगर दूसरे राज्यों की आप बात करें तो आप कहते हैं कि वहां पर तानाशाही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, आपने तो कानून को भी अपने हाथ में लिया हुआ है, तभी तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप ही के सहयोगी दल आप ही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उच्च स्तर तक जांच गई है और गंभीरता हमने देखी है कि खुद गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है, क्योंकि ये पूरी तरह से संवेदनहीनता है। अगर ईडी जांच कर रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ उसके पास या तो ऑर्डर होगा या कुछ ऐसे सबूत होंगे जिसके आधार पर वो जांच करने के लिए निकली है। तो बात बस इतनी सी है कि आपको समझना पड़ेगा, बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बात पूरे देश की है। आज बंगाल की तस्वीर है, ईडी की छापेमारी तो हर जगह चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चलती है, कई जगह पर ईडी की छापेमारी चलती है। तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ईडी पर अगर हमला हो रहा है, सरकारी तंत्र पर अगर हमला हो रहा है तो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, सिर्फ एक गद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमें सोचना है, ये हमें तय करना है कि आखिर हमें क्या है, किसे चुनना है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो। अगर कानून व्यवस्था पर ही हमला बोल दिया जाएगा तो फिर आम जनता की रक्षा आखिर कौन करेगा। और ये पहला मौका नहीं है ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, जब जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है तब तब
सरकारी तंत्र पर हमला होता है, नेताओं पर हमला होता है, हत्याएं कर दी जाती हैं, आगजनी होती है, हिंसा भड़का दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता कहती है कि हम तो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? लोकसभा चुनाव आने शुरू हो गए हैं कि बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन जो कह रहे हैं हम सब एक है, शेयर शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और एक दूसरे पर बयानबाजियां ये करते नहीं थक रहे हैं, तो जो गलत है वो गलत है, इसके खिलाफ हमें भी आंखें खोलनी पड़ेंगी और एक सही सरकार को चुनना होगा। तो भारत एक्ट 9 में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कह रहे हैं तय आपको करना है, सरकार आपको चुननी है, तो देखिए समझिए और एक सही सरकार चुनिए। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।